कि कुछ हल्का सा हमारी ख्वाहिश के बारे में हवा है नेगेटिविटी की पता नहीं जो मुनाफिक होता है उसके साथ सारी दुनिया होती है और उससे सब खुश होते हैं तो मौलि का कॉल है मैं जो हूँ मैं ऐसी हूँ लेकिन क्योंकि मैंने काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया था और उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं होता था बच्ची थी जाहिर है चौदह साल की उम्र में इतनी फेम इतनी सक्सेस आई एक बैंक के साथ फ़ौर फॉर सारा कुछ वो हो गया ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं प्रोफेशनलिज्म पे मतलब वो नहीं किया होगा मैं अनप्रोफेषनल भी रही होंगी हुँ। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं लेकिन मैं ऐसी हूँ मुझसे बना नहीं जाता और ये अलग का शुक्र है उस मौला का करम है इस पे लिबास नहीं आ सकता कोई पर्दे ही नहीं है मुझे अगर बात बुरी लग रही होगी मेरे मुंह पे आएगी अच्छी लग रोना आएगा तो यूं आ जाएगा जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि जैसा इंसान अंदर होता है उतनी प्योरिटी उसके चेहरे पे नुमा हो जाती है जो के है रियली थैंक यू इंडिया के हवाले से बिकॉज आपने तीन साल काम किया कैसा पाया उन लोगों को एज कम्पेयर टू मेरे अपने लोग मेरे अपने लोग हैं आ, लेकिन उस मुल्क में एक बात है या सिर्फ इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी अब आ रही है मैं किसी पे टारगेट नहीं कर रही करी लोगों को पता है कि उनका काम क्या है एक दूसरे पे बल्ली नहीं डालते एक दूसरे पे काम का बर्डन नहीं डालते हर जो टोपी घुमाई जाती जी, है जी यहाँ पर कोशिश ज्यादा होती है कि मेरा काम वो कर लेगा फला हो जाएगा इट्स अ टीम वर्क एंड एवरी टीम मेंबर इज इज डूइंग देयर ओन सो दैट दे दे वेरी प्रोफेशनल स्टार्ट ऑन ऑन टाइम टाइम एंड अप उसके अलावा आ, हमारे पास बहुत अच्छे अदाकार हैं हमारे पास कंपोजर्स सिंगर्स राइटर्स माशाल्लाह हम टैलेंट से भरे हुए हैं लेकिन अच्छा, ज्यादा है जी लोगों ने बड़ा कहा इमरान हाशमी के साथ आपने फिल्म की लोगों को लो बड़ा पता नहीं क्या शोर हुआ था कि यार उसके साथ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ मुझे तो बहुत अच्छा मेरा आज भी वो बहुत अच्छा दोस्त है एक बहुत प्यारा इंसान है हमारे यहाँ एक डिफरेंट तरीके से काम होता है जब हिंदुस्तान जाके काम करते हैं उनका तरीका कार और सारा पैराफेनेलिया डिफरेंट है तो आप ये नहीं समझते कि दो कश्तियों में सवार हो जाता है इंसान अच्छा। और वहाँ का तरीका कार मुख्तलिफ है वो बोल्डनेस को एक कैजुअल सीन लेते हैं हम उसको हाईलाइट करते हैं उनकी जनता या उनकी आवाम उस तरह रिएक्ट नहीं करती जैसे हमारे लोग यहाँ पे रिएक्ट करते हैं तो ऐसा ऐसा आम, है अच्छा मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मुझे मेरे ऊपर एक टैग लगा कि बोल से बोल्ड तक जब मैंने बोल के बाद ये किया आई हैव ऑलवेज बिन अ वेरी बोल्ड गर्ल आई एम अ वेरी आउट स्पोकन वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल आई एम अ सेल्फ मेड गर्ल आई रन माई ओन हाउस आई नो बडी पेस फॉर माई बिल्स खुद ही सब कुछ किया बहन भाइयों के लिए अपने लिए जितना मुझे मेरे रब की ज़ात मुझसे करा सकती थी uh. ऐसा नहीं हुआ कि मैं इमरान हाशमी की फिल्म में जाकर मैंने गाने कर लिए और सब कुछ कर लिया आई स्टार्ट वन आई वो फोर्टीन ईयर्स ओल्ड जिसने कभी कोई डांस नहीं सीखा लेकिन शौक था तो मैंने जो है वो सुल्ताना आपा ने मुझे ड्रामा दियानो दीवान की उसमें मैंने राहत फतेह के गाने पे डांस किया फिर मुझे शुरू से ना ये फिल्मी थी मैं थोड़ी सी आगे तो मैं ये कहूँ कि आपके लिए जो हमारी आवाम कमेंट करती है क्या हो गया मुझसे कि मैं तो गर्ल नेक्स्ट डोर नहीं रही मैं तो वो मजलूम औरत जो जिसको तलाक हो रही है या जो रो रही है या जो पिट रही है अपने मियाँ से ड्रामों में मैं तो वो लड़की नहीं रही लोगों के लिए मैं तो लोगों के लिए एक मैं मरी थी जैनब बन के जब बोल में तो मैं लोगों की दिल दिल की आंख का तारा थी और जब मैंने जाके बार डांसर का रोल किया इमरान हाशमी के साथ तो लोगों से मुझे एक अजीब किस्म की हेटरेट मिली ये अब मुझे एहसास हुआ है कि अब मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी है कि मुझे

मैं पैसे कमा रही थी मैं काम कर रही थी मैं जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही थी मुझे खुद को जानने का मौका ही मौका नहीं मिला, मिला। मतलब लिटरली मुझे अपनी ख्वाहिशों का और जरूरतों का एहसास नहीं हुआ मैं लोगों की मोहब्बतों में इतनी गुम थी गुम थी अच्छा वाह वा, अच्छा वेरी वा, गुड तो अब जो मोहब्बत हुई है उसका को, कोई टाइम फ्रेम है या वो अब पक्की मोहब्बत है आखिरी मोहब्बत प्यार करते हैं मुझे कैसे छोड़ेंगे पूरी लाइफ अच्छा। मेरी बस अभी तो यही मोहब्बत है तो उसके साथ-साथ यू विल स्टार्ट वर्किंग इन ड्रामास एज़ वेल जी यस ऑफ कोर्स आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट विद अंजुम शहजाद राइट नाउ अच्छा माशाल्लाह uh, मौला जेट इज कमिंग दैट आई एम डूइंग अच्छा मौला, मौला जेट फिल्म भी आ रही है सकीना समो मियां शेर यार मुनव्वर अच्छा एंड uh, या तो काम तो चल रहा है काफी सारा काफी चल रहा है लेकिन दो दो सालों से आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि बॉलर जेट भी तो इतनी लंबी चली कि हम बड़े हो गए <laughs> वो भी चली जा रही थी चली ही जा रही थी मेरे डाकिया भाई है वो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको बुलाऊ प्लीज आजा भाई प्लीज कह देने हो

नक्श किताबी हूर की सूरत आहा। हर अदा हो कोई फसाना आहा। ब्यूटी पार्लर का है जमाना और हर कोई चांद का टुकड़ा है जी हर कोई फूल का मुखड़ा है जी जनाना हो या हो मरदाना ये बात सही है ब्यूटी पार्लर का है और पैर किसी का पैर लगे अपनी बीवी गैर लगे। रिश्ता खास भी लगे बेगाना आ, आ, ब्यूटी, ब्यूटी पार्लर का आया है जमाना। और चेहरे पर एक तो नीचे ना डॉलर ऊपर से ये ब्यूटी पार्लर मुमकिन है फिर सर्च कराना ब्यूटी पार्लर का है और ले डूबे हैं हमें हजूर मैनी क्यूर पैडी क्यूर हफ्ता वार जरूर कराना आए वाह 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 पार्लर वा वा। वा, वा वा। का वा है जमाना क्या जमाना और घर की साफ सफाई अधूरी वाह फेशियल पर है बहुत जरूरी फेशियल पर है बहुत जरूरी चाहे घर में पके ना खाना राजी वाह ब्यूटी पार्लर का है जमाना और राज हुस्न खुलता है इनका धुलता है वाह वाह वा। उठता है हर दर्द पुराना जी है है भाई जन वही मैं कहता हूँ क्या है क्या है? मर्द के पैसों से मर्दी को बेवकूफ़ बनाने की एक साजिश बहुत अच्छी बात क्यों मैं लगाती हूँ मेरे अपने पैसे आप चेहरे हैं दुनिया में जिनको मेकअप की जरूरत नहीं बेशक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपके साथ